bum 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 bada bidi bidi bum 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 bum. और फूफी जी बर्थडे बॉय पेस्ट्री खाओगे तो जैसी मीठी थोड़ी होनी है. हमारे हैप्पी अंकल जो है 80 साल के जवान है. छोड़ो यार. हैप्पी अंकल हैप्पी बर्थडे. कैसे हैं आप? कैसी हो मधुबाला? अच्छी हो. हैप्पी अंकल द हैप्पी द 80 द बर्थडे मुबारक हो. ओके ये तो दे. पता है हैप्पी अंकल जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने पैसे से कार्ड खरीदा है. हाँ आपसे बहुत प्यार करते हैं. मैं पूरे 50 रुपए का कार्ड खरीदा है अपने फेवरेट हैप्पी अंकल के लिए. इस चीज के लिए आज से मेरा गला दबा के मारेगा क्या? ओ अंकल मैं क्या कह रहा था. बैठिए बैठिए. ये जो आपका दीवान का किताब है ना. कौन सा किताब? अरे तू शायद जानता नहीं है हैप्पी अंकल का असली नाम ना दीवान हरप्रीत वालिया है. इनके खानदान में जो बड़ा बेटा होता है ना उसको ये दीवान का किताब मिलता है. अब आपका तो कोई बेटा है नहीं तो मैं क्या सोच रहा था कि आपके बाद आप चाहें तो किसी को भी सेलेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं. वैसे एक होनहार लायक और शरीफ उम्मीदवार आपके साथ ही बैठा है. तभी मैं कहूँ कि पापा जी अपना महंगा मक्खन हैप्पी अंकल पे क्यों लगा रहे हैं. दीवान बनने के लिए दीवाने हो रहे हैं. चलिए चलिए केक आ गया है. केक भी शानदार. केक वाली सुपर माया. माया बहुत सुंदर केक है. कौन सा दुकान से मंगवाया? मंगवाया नहीं मम्मी जी मैंने खुद बनाया है. माया सच बोल दे. मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ. इंटरनेट पे घंटों ट्यूशन लेके ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है. अरे वाह ये इंटरनेट तो जादू है. गधे को भी घोड़ा बना सकता है. चलिए 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 जल्दी केक काटते हैं वरना केक भी बुरा मान जाएगा. मुस्बीरे मैंने सोचा मेरे मरने के बाद तू ही दीवान बने तो अच्छा. हैप्पी अंकल द ग्रेट द माइंड द सेम द सोच. कमीने दीवान बनने की पार्टी तो देनी पड़ेगी ना. निकाल मेरा पटियाला. बना भी पटियाला. अरे शर्म करिए दोपहर के 4 बज रहे हैं. मैं आपके लिए आंवले का जूस ले आता हूँ आपकी अंतड़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा. अरे पागल हो गया है क्या? जा वो मेरी वो काले कुत्ते वाली विस्की लेके आ मेरे फेवरेट हैप्पी अंकल के लिए. पापा जी बुड्ढे की जान लेंगे क्या? अबे मरने से पहले किसी बुड्ढे की इच्छा पूरी करो ना तो पुण्य प्राप्त होता है. पापा जी वो सब बाद में पहले केक. हाँ केक. आइए आइए हैप्पी अंकल. आइए पहले फूंक मारिए अंकल. The live, the happy, the uncle. Happy uncle? ये क्या हुआ? मुझे डायबिटीज थोड़ी है जो मुझे नमकीन केक खिला रही हो. नमकीन केक? हाँ. God. ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं माया. ये इंटरनेट है ना ये शक्कर और नमक का फर्क नहीं सिखाता ना इसलिए. माया बेटा थोड़ा नमकीन है पर तू चिंता मत कर मैं ना सॉस के साथ खा लूंगा. हैप्पी अंकल आई एम वेरी सॉरी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया. एक्चुअली माया की पुरानी आदत है अगर उससे पकौड़ा बनाने के लिए कहो तो गुलाब जामुन बना देती है.
पता हमारे घर में कैसे पता चलता है कि खाना बन गया? जब माया के किचन से धुआं निकलता है। पर इसकी रोटी इतनी सख्त होती है कि कई बार काम वाली प्लेट समझ के धो देती है। हमारे घर पे तो मक्खियां भी खाने पे बैठने से डरती हैं, कहीं बदस भी ना हो जाए। और आपको पता है कॉकरोच की मौत आती है ना तो वो इसी तरह फड़फड़ाता है। अबे साला बुढ़ा कमीना, शराबी कबाबी। पापा जी अपने मुंह से अपनी तारीफ। तेरे हैप्पी अंकल को कोस रहे हैं। क्यों? अबे साला बुढ़ाऊ, एक बोतल विलायती डकार गया, दूसरी बगल में दबा के निकल लिया, और बाद में पता चला कि जो लॉलीपॉप मुझको दिया वही लॉलीपॉप सबको दे रहा था। जलंधर वाले भाई साहब, कपूरतले वाले देवर जी, अबे सबको दीवान बनाने का सपना दिखा के सबकी विलायती चाट गया। वाह, हैप्पी अंकल तो बिल्कुल मिस्टर नटवरलाल निकले। मुझे तो पहले से ही पता था ये सब होने वाला है, मैं बस इनका ना पपीते जैसा मुंह देखना चाहती थी। दीवान जसबीर वालिया, कितना वजन था नाम में। सोच रहा था कि एक बार ये खिताब मिल गया ना तो शेरवानी सिलवा के जेब में गुलाब लगा के पूरे ग्रेटर कैलाश में घूमूंगा। पर सारा गुलाब तो मिला नहीं, बल्कि पिछवाड़े में कांटा चुभ गया। सुमित अब सॉफ्ट ड्रिंक पी लो। नहीं नहीं नहीं, वही रखे रहने दो। माया तुम्हारी कोई भी घिनौनी चाल नहीं चलने वाली अब। अबे चपड़ गंजू, घिनौनियत तो मेरे साथ हुई है, तू क्या बक रहा है? पापा जी बच के। अबे ये तो कल कहना चाहिए था ना, पापा जी बच के, अब क्या चिल्ला रहा है? बस खुश। अच्छा तो ये बात है, छोटा मोटा बदला नहीं लोगी तुम? कोल्ड ड्रिंक क्या है? तुमने तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है कमौलिका। मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, क्या पता कब किस पे कैसे वार हो जाए। हाँ पर मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सब मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ। हाँ आई एम वॉचिंग यू, आई एम वॉचिंग यू। डॉली क्या हो गया इसको? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें पता है ना बचपन से इसका दिमाग थोड़ा सा नरम है। शादी से पहले क्यों नहीं बताया? मेरे सांड घाव ठीक होने की खुशी मनाने के लिए आए हैं। मुझे मालूम है कि पिछले एक महीने में मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, बहुत। इसलिए उस सबके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। और चाहता हूँ कि आज आप सब खुल के एंजॉय करें। चल भाई ये सब तो हो गया, अब ये बता कि डिनर खिला रहा है कि नहीं, या फिर स्टार्टर में निपटा देगा सबको? है? अरे नहीं नहीं पापा जी, आज आपका जो जी चाहे वो ऑर्डर कीजिए। भाई मैं तो ये सांड की सजा है ना मुर्गियों को दूंगा, इसलिए एक अमृतसरी टिक्का, दो मुर्ग मसल्लम और एक रेड कलर का चाइनीज चिकन। अच्छा, चार बियर पहले ही गटक चुके हो, इस पेट में और मुर्गे फिट होंगे। अबे डॉली ये मत भूल कि ये जसबीर दी वालिया दी ग्रेट का पेट है, इसमें पूरा पोल्ट्री फॉर्म भी फिट हो सकता है। सॉरी पुचकी। कोई बात नहीं पुचकू। सही में ऐसे खुशी के मौके ना बाकी बहुत कम आते हैं। और ऐसे खुशी के मौके पे मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली है, थोड़ी जगह बनाना जरूरी है। तो मैं यू गया और यू आया। हा? अच्छा पर जल्दी आना, वादा करता हूँ पुचकी जल्द लौटूंगा। Oh my God, उस टेबल पे वही लड़की। कौन है वो लड़की माया? पीछे वाले टेबल में ये वही लड़की है जो सालों पहले भैया को मंडप से छोड़ के गई थी, रीमा। रीमा तो रजनीश की शादी इससे होने वाली थी। यही है वो रीमा। तो
मम्मी जी मुझ पर गिर रहा है। सॉरी। घस घस के अंदर मत डालो। रजनीश ने मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि शुभ अवसर पर ना अशुभ बातें नहीं करते। वैसे रीमा की कहानी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। प्लीज। कुछ साल पहले माया और मैं मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, पापा जी की कोठी के ऊपरी मंजिल पर। याद है माया? याद है, भुलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन भूल नहीं पाती। 3 दिन में रीमा और रजनीश की शादी होने वाली थी। लव मैरिज, हाँ लव मैरिज। लेकिन फिर हम रीमा के परिवार से मिले। बोलो, तू फ्लैशबैक में जा, तब तक मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अरे छोटू का भेज यार। रीमा की शक्ल बिल्कुल अपनी माँ से मिलती है ना। अच्छा ही है ना, बाप से मिलती तो गाल का मस्सा भी पास ऑन हो जाता है इसको। भाई अपने गांव में सरपंच भी हम हैं और पुलिस वाले भी हम। आप लोग अपने आप ने धन्य समझो जो आप लोगों को ऐसा बढ़िया ऐसा महान परिवार मिला। सरपंच भी आप, पुलिस भी आप, क्या मतलब? अच्छा आप पुलिस वाले हैं, लेकिन कपड़े तो आपने डाकुओं के पहने हुए हैं। अरे पापा जी, मोनू छोड़िए ना, अब पुलिस वालों की लड़की पुलिस वालों के यहाँ आ रही है तो सवाल क्यों पूछे। है ना रीमा? ये बड़े आपस में बात कर रहे से है, तो करने देना, तू क्यों बोला जा रहा है बीच में। करो जी करो, आप लोग बातें करो। हेलो। हाँ बक। अरे माल की गारंटी मैं लेती हूँ ना। हाँ माल अफगानिस्तान से सीधे आर्या से। हाँ चल। हाँ अफगानिस्तान से कौन सा माल आ रहा है? ड्राई फ्रूट्स होंगे ना, सुना है वहाँ के अंजीर बहुत मीठे होते हैं। जरा खर्चे की बात करो ना। वो अब अच्छा अब तेरे 2-in-1 समझी जी, वो जरा शादी के खर्चे की बात कर ले। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दें कि हम दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे यो हम देंगे तो लोगे ना। अरे यो हमारा दस्तूर सारा ही। शादी का कुछ खर्चा तो उठाओगे ना? उठाएंगे। हाल आपका? सिक्योरिटी मारी। सजावट आपकी? और जी मिलावट मारी। वो भी हमारा दस्तूर से। पर कुछ तो खर्चा उठाओगे? उठा उठाओगे। रुक जा असम दीजिए, ठीक से यो सारे खर्चे में ना हम थोड़ा आशीर्वाद डाल देंगे। नहीं हमको तो रोकना चाहिए, आशीर्वाद का हम अचार डालेंगे क्या? अरे वो सब बाद में देख लेना, ये आपका बड़ा बेटा है? नहीं नहीं, ये छोटा बेटा है मोनू, और ये हमारी बहू माया, अभी अभी बंबई से आए हैं यहाँ पे। मैं बहुत लकी हूँ कि हम मम्मी जी की ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं। ऊपर वाली मंजिल छोटे बेटे ने दे दी जी, उस पर इतना प्यार क्यों जी? अब कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा ये स्वीट डिश भी मैं ले आऊंगा, लेकिन कम से कम आप मुर्गी तो लाएंगे ना भाई? वो भी आप ले आना भाई। काट हम देंगे। ये आपके छोटे सरपंच जी गांव के कसाई है क्या? पीठ सिद्धि, कितनी बार 18 से कहूं कि पीठ सिद्धि करके बैठा कर, बिल्कुल शान से जैसे बापू बैठे। देख कैसे बैठे बापू। नहीं वो मैं कभी कभार पीठ झुका के बैठता हूँ ना, तो रीमा को पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे प्यार से कोनी मार देती है। मम्मी जी आप जरा आइए ना इधर, आप लोग बातें करते रहिए। अभी आती हूँ। ये शादी डील चेक कर लीजिए आप। मम्मी जी ये लोग आपको थोड़े, मोनू मैं खुश नहीं बोलूंगी, सोनू खुश है ना तो मैं भी खुश हूँ। बोल इब क्या हुआ? सुन पैसे ना दे रहा से है ना, उड़ा डाल उसे। सुन छोटी छोटी बातों के लिए ना बार बार हमारे को फोन ना किया कर, बिजी हूं मैं, चल। और आपकी बहू तो एकदम बैंडेड क्वीन लग रही है। मोनू
शादी से पहले माया पे भी कई सवाल उठे थे, लेकिन अब तो मेरी बेटी जैसी है ना, रीमा भी बन जाएगी। Bum 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 bum